नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। माफ़ी चाहूँगा बच्चों, सबसे पहले तो इतनी रात में मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए, लेकिन क्या करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए था। जो ऑब्जेक्शन करने वाले दो क्वेश्चन हैं बच्चे अभी भी कर सकते हैं, हालांकि आपको बहुत चिंता करने की बात नहीं है। मैंने एक बच्चे के यूजर आईडी और पासवर्ड लेके सारी चीज़ें मैंने कर दिया है, उसका डेट ऑफ बर्थ और बुकलेट नंबर लेके मैंने अपने स्तर पे उस बच्चे से कर दिया, लेकिन आप लोग भी कर दो, समय बहुत कम है। इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी में आपको ये बता दे रहा हूँ कि आप लोग एक दो क्वेश्चन जहाँ पे आपको डाउट्स हैं वो कर लो। ये होता क्या है बच्चों, इसमें जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसको साक्ष्य ढूंढने में पूरा दिन निकल जाता है, और लिटरली हम लोग पूरी टीम चार पाँच ही क्वेश्चन होते हैं बट बहुत परेशान कर देती है। आते हैं, हम लोग बात करते हैं कि ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं। आज मैं आपको 25 का बता दे रहा हूँ, और जनरली इसमें मैथ के क्वेश्चन तो नहीं है, हिंदी रीजनिंग और जीएस के कुछ क्वेश्चन है, मैथ्स के तो 25 में कोई नहीं है। 25 30 30 तारीख और 31 तारीख वाले बच्चों को मैथ्स में काफ़ी क्वेश्चन है, तो मैं कल उसको प्रायोरिटी कल ही मैं सारी वीडियो लाइव ला के बता दूंगा। बट 25 वाले एक बार देख लीजिए, 25 के फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन है कि फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें आयोग 33-80 माना है, हालांकि इसकी जो लॉजिक होती है क्यूब वाला लगाया है आयोग ने। आप लोग यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, तो प्रायोरिटी के हिसाब से स्क्वायर और क्यूब के हिसाब से 3380 परफेक्ट क्यूब नहीं है, बाकी सारे परफेक्ट क्यूब है, तो उसने 3380 माना है। इस पे क्लेम करना चाहिए तो कर दीजिए, मेरे हिसाब से इस पे क्लेम करने का मतलब नहीं है, लेकिन इसके मैंने अगर कोई बच्चा क्लेम करना चाहता है तो ये बोल के कि भाई इसका विकल्प गलत है और इसका सही उत्तर ये होगा, और आप साक्ष्य में ये अगर सेकंड लॉजिक के हिसाब से करना चाह रहे सेकंड कर लें, आप थर्ड लॉजिक के साथ करना चाह रहे आप थर्ड कर लें सारा। और आपको अभी परीक्षा प्लस ऐप पे मैंने अपलोड कर दिया है, बट आप सभी क्या कर सकते हो, आप सभी यहां पे इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट लेके सीधा अपलोड कर देना। परीक्षा प्लस जाओगे वहां पे फिर से करोगे, तो मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, आप इसका क्या ले लीजिए। सेकंड लॉजिक कोई लगाना चाहता है जिसको लगता है 4913 सही है, तो 4913 वाले सेकंड लॉजिक अपलोड कर दीजिएगा। किसी को लगता है कि कौन सा डिविजिबिलिटी पे जाएगा, तो ये अगर किसी को लगता है तीसरा वाला विकल्प है 5832, तो वो इसका स्क्रीनशॉट लगा दीजिएगा। दो बार स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, एक बार इतने का ले लीजिएगा आप स्क्रीनशॉट, और इसके बाद एक बार इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपलोड कर दीजिएगा। मैंने इसमें और भी लॉजिक दे दिए हैं, जैसे फोर्थ लॉजिक इसमें क्या दे दिए हैं, इसमें डिविजिबिलिटी बाई 4 का, तो ये सब प्रायोरिटी होती है, ये सब फालतू की बातें हैं अगर आप करना चाहो तो। वैसे परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब को ही प्रायोरिटी दिया जाता है, तो उसी को माना जाएगा, इस पर करने की जरूरत नहीं है। ये प्रश्न है, इस पे आप कर सकते हो, आपत्ति यहां पे क्या है, यहां पे इन्होंने हिंदी वाले में एक रीजनिंग का प्रश्न था, पी क्यू का भाई है, आर की बहन है, एस टी का भाई है, ये वाला प्रश्न था, और इसमें दिया था टी क्यू की माँ है, एस क्यू के इस प्रकार से संबंधित है। इसमें उत्तर आयोग ने डी माना है, डी मतलब अंकल और अंकल मतलब उत्तर आ रहा है मामा, लेकिन इन्होंने लिख दिया है चाचा, तो बहुत सारे बच्चों ने प्रश्न इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मामा यहां पे मिला नहीं। तो आप यहां पे ऑब्जेक्शन टाइप में हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद में तथ्यात्मक त्रुटि है ऑप्शन चूज करके, और एक्सप्लेन क्या गलत है इसमें, हल संलग्न है ये लिख देंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। किसका, ये नीचे नीचे वाले पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये मैं यहाँ पे जूम आउट कर दे रहा हूँ, तो इतने आप स्क्रीनशॉट लेके क्या करिएगा, इतना स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका मान लिया जाएगा, ठीक है, अगर आयोग इस पर मानता है तो। बाकी मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग के एक क्वेश्चन में ये लुप्त पैटर्न वाला था, तो लुप्त पैटर्न वाला ये क्वेश्चन, हालांकि इसकी लॉजिक किसी को नहीं समझ में आई है, 3438 से मेरे ख्याल से आयोग को भी इसकी लॉजिक नहीं समझ में आई होगी, तो इसका कोई एग्जैक्टली प्रूफ भी नहीं है इसका। हालांकि हमारे हिसाब से मैंने लॉजिक यह दे दिया है कि फर्स्ट और लास्ट लेटर क्या होंगे, साइड साइड में जाएंगे और नंबर्स बीच में आएंगे, और उस आधार पे क्या होना चाहिए, उस आधार पे ऑप्शन वन होना चाहिए। हालांकि आयोग ने भी ऑप्शन वन माना है, हमने भी ऑप्शन वन ही माना था, लेकिन सेकेंड लॉजिक में आपका क्या होता है, सेकेंड लॉजिक से जाएंगे तो भी ऑप्शन वन आएगा, तो यहाँ पे कोई सी भी लॉजिक से जा रहे हैं तो ऑप्शन वन ही आ रहा है, बाकी कोई लॉजिक आ नहीं रहा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इस प्रश्न में गलती है, तो प्रश्न में गलती तो मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता कि प्रश्न में गलती की नहीं, फिर भी अगर आप करना चाहो तो अपने हिसाब से कर दो। मैं इसमें बोलूंगा कि इसमें कोई ऑब्जेक्शन करने लायक नहीं है, इस प्रश्न में कोई मतलब नहीं है ऑब्जेक्शन करने लायक। आते हैं हम लोग बाकी भी देख ले रहे हैं, 25 फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी के प्रश्न, इसमें एक स्रोत और स्रोत वाला प्रश्न था। हालांकि ये जो शुद्ध वर्तनी होता है, स्रोत और स्रोत ये दो शब्द होते हैं, एक मतलब होता है क्या, उद्गम, सोर्स जिसे बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग सोर्स बोलते हैं, और एक हमारा क्या होता है, एक हमारा पूजा से होता है, स्रोत करना, स्तुति
स्तुति करना, इसे पूजा करना, आराधना करना, ये क्या होता है? आराधना करना होता है। तो बच्चों का ये कहना है कि सर इसमें दोनों के दोनों क्या है, वर्तनी क्या है, सेम है, ये तो गलत वर्तनी हो गया है, ऐसे हम पहचान नहीं पाए, हम तो सिमिलर मीनिंग ढूंढे। हालांकि सब आयोग भी जानता है, हम लोग भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि ये तो सब लोग जानते हैं कि ये त्रुटि वाला है और मिलता हुआ यही है, तो आयोग हो सकता है माने ना माने, लेकिन क्योंकि प्रश्नगत गलती है तो आप इसमें डाल दो प्रश्न गलत है, जिन बच्चों के गलत हुए हैं प्रश्न गलत हैं, और इसमें आप प्रूफ में, आप केवल प्रूफ में इतना डाल दोगे, ये पूछेगा कि क्यों गलत है, तो आप इसी को टाइप करके लिख दोगे जो मैंने लिखा है, और प्रूफ में मांगेगा तो आप इसी का क्या कर दोगे, इसी का आप स्क्रीनशॉट लगा के यहां पे अपलोड कर देना, आपका काम बन जाएगा। आयोग मानता है तो ठीक, नहीं मानता तो कोई बात नहीं। आते हैं हम लोग यहाँ पे ट्विटर के एक पर आधारित संचार मंच है। यहाँ पे बच्चे बहुत बोल रहे हैं, कंफ्यूज है कि सर चैट और एसएमएस दोनों होगा, चैट और एसएमएस दोनों नहीं होगा बेटा, ये ट्विटर क्या होगा, चैट ही होगा। एसएमएस सर्विस सेलुलर सर्विस से होती है, इसमें 160 कैरेक्टर केवल होते हैं, जबकि चैट में ऐसा कुछ नहीं होता है। और दूसरी बात, एसएमएस केवल सेलुलर सर्विस से भेज सकते हो, वाईफाई का रोल नहीं होता है, जबकि चैट बिना इंटरनेट के आप नहीं भेज सकते हो, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इसके लिए एक बहुत फेमस वेबसाइट का मैंने अभी ब्लॉग भी लगा रखा है, यहां पे स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है, तो इस पे क्लेम करने का कोई मतलब नहीं है, ये फल फालतू वाली बात हो जाएगी। एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है बच्चों को, भारत लिपुलेख दर्रा किस देश से साझा करता है? हमने भी उत्तर चीन दिया था, आयोग ने भी उत्तर चीन दिया है, लेकिन बच्चों का कहना है कि सर जब हम गूगल करते हैं, नेट पे आते हैं, तो यहाँ पे नेपाल भी आता है। अगर आप वैश्विक स्थिति, वैश्विक दृष्टि से देखोगे तो कई जगह आपको ये लिखा मिलेगा, लेकिन अगर आप भारत के जो भारत डिस्कवरी डॉट ओआरजी और वेबसाइट है इंडियन गवर्नमेंट की, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें क्या है, इसमें आपका केवल किसका जिक्र किया गया है, हिमालय भारत में स्थित पहाड़ी दर्रा है, यह दर्रा उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के तकलाकोट पुरंग शहर से जोड़ता है, लिपुलेख दर्रा के बारे में बात कर रहा है। तो ये हम भारत वाले, हमारे भारत की जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट है वो नहीं मानती कि नेपाल के साथ साझा करता है, क्योंकि वो एरिया भारत अपना मानता है, नेपाल बोलता है कि वो एरिया हमारा है, तो वो कई जगह मैप में दिखाने का प्रयास करते हैं। इसकी लिंक मैंने साक्ष्य के लिए यहाँ पे किया, बट कोई बच्चा अगर क्लेम करना चाहता है तो किस बिहाफ पे क्लेम करेगा, आप क्लेम कर सकते हो किसके, विकिपीडिया के आधार पर। विकिपीडिया में मैप भी यहाँ पे दिखाए हैं, आप यहाँ पे इस मैप को देखोगे तो ये आपका क्या है, ये आपका उत्तराखंड वाला रीजन है, ये जो नीचे वाला मैप बना रहा हूं ये आपका नेपाल वाला रीजन है, ये नेपाल वाला रीजन है, और ये जो आपका है ये इधर इसके इस साइड में पूरा चीन है। तो ये ट्राई जंक्शन है, ये क्या है, ट्राई जंक्शन है, मतलब तीनों लोग मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे विकिपीडिया पे दिखाई देगा। अगर आप इस पे क्लेम करना चाह रहे हो तो आप क्या डालोगे कि प्रश्न में क्या गलत है, तो आप उसमें डालोगे कि विकल्प गलत दिया हुआ है, या आप डालोगे एक से अधिक विकल्प सही है, एक से अधिक उत्तर सही है, ये आप डाल दोगे। उसके बाद फिर बोलेगा इसमें क्या गलत है, तो वहां पे भी लिख देना कि एक से अधिक उत्तर सही है, या लिख देना कि नेपाल और चाइना दोनों होगा। और साक्ष में आप क्या करना, साक्ष में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका दिया हुआ है, और ये लिंक के साथ पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको साइड में कर दे रहा हूं ताकि स्क्रीनशॉट आपका अच्छे से आ जाए। ये पूरा विकिपीडिया का है, विकिपीडिया का लिंक भी लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे दे सकते हो, ठीक है। लेकिन साथ में मैंने आपको इसे और जस्टिफाई और क्लियर करने के लिए इस मैप को और जूम करके दिखाया हूं, तो लिपुलेख यहां पर आ रहा है, जो कहां पर यह भारत का बाउंड्री है, यह चीन की बाउंड्री है, नेपाल की बाउंड्री कहां पर है, नेपाल की बाउंड्री अगर आप देखोगे तो नेपाल की बाउंड्री, नेपाल का ट्रांजेक्शन ये वाला पार्ट है, तो यहां पे जबकि ये जो आपका लिपुलेख पास है वो थोड़ा हटके है, इस कारण से नेपाल नहीं भी हो सकता है। तो मैंने आपको सारी लॉजिक दे दी है, तो इस वीडियो में मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, बस इतना कहूंगा कि भाई समय बहुत कम बचा है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर सकते हो। हालांकि मैंने कर दिया है अपने स्तर पर कि बच्चों अगर आयोग मानना होगा तो मेरे से ही मान जाएगा, वरना आप लोग भी करते रहोगे, बट आप कर सकते हो तो एक दो बच्चे और भी डाल देंगे तो काम बन जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार।